अस्सलाम वालेकुम, यह है दुनिया न्यूज और मैं हूं तारिक मती। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम और एएनपी समेत बड़ी सियासी जमातें बलूचिस्तान का मसला सियासी तरीके से हल करने पर मुत्तफिक। नवाब अकबर भुट्टी के कातिलों को गिरफ्तार करने और बलोच अवाम को हुकूक देने की करारदादें मंजूर, वुकला कन्वेंशन में करारदादें। वक्त गुजर गया नवाज लीग, अब बेवक्त की टक्करें मारना छोड़ दे। एक भाई सदर और दूसरा वजीर आजम को नहीं मानता, वजीर आजम गिलानी बरस पड़े। भारतीय जासूस सरबजीत सिंह की रिहाई की मुतजाद इत्तिलात, शरी रहमान ने एक हफ्ते में रिहाई का इशारा दे दिया, रहमान मलिक ने इत्तिलात को गलत करार दे दिया। कराची की मकामी अदालत ने कलदम पीपल्स अमन कमेटी के उजैर बलोच और लियारी गैंगवॉर के मुलजिम बाबा लाडला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नवाब शाह में बस पर फायरिंग के वाकये के खिलाफ कराची में एहतजाज से ट्रैफिक जैम, जमशेद रोड पर दस्ती बम हमले के खिलाफ अहले इलाका सड़कों पर निकल आए। घुटकी में गरीब वालदैन औलाद के इलाज से मायूस, रकम ना होने की वजह से मजबूर होकर बच्चों को जानवरों के साथ बांध दिया। कराची में कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम को जून और जुलाई में मौसम गर्मा की तातीलात की इजाजत, सरकारी और निजी स्कूल जुलाई और अगस्त में छुट्टियां करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़रई शोबे के लिए बजट में रकम बढ़ाने पर गौर, काश्तकार और जमींदार सरकारी दावों पर यकीन करने को तैयार नहीं। डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध का किनारा, गर्मी के सताए लोगों के लिए सहारा। कान फिल्म फेस्टिवल में निकोल किडमन की दूसरी फिल्म नुमाइश के लिए पेश, ऐश्वर्या राय की बदली शख्सियत मौजूए बहस बन गई।